प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सखी भाव और मंजरी भाव में क्या अंतर है? और इसी का अगला अंश है कि निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, केवल मंजरी ही जाती है, क्या ये बात सही है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों है? राधा शरण जी, सखी भाव और मंजरी भाव में क्या अंतर है? वैसे तो महाराज श्री वहाँ तो सखी में और मंजरी में क्या अंतर करे, आप श्री का बहुत सा प्यारा सा दोहा है, उसमें आप श्री ने लिखा है, जो श्यामा सो श्याम है, सोई सखी और धाम, रस के रूप अनेक है, बिलसत आठो याम, चतुर्नाम बपु एक है, चतुर्नाम तत्व एक है, चार रूप ध्याम। तो उसमें आपने कहा है कि ये चार इनका नाम है लेकिन तत्व जो है इनका एक ही है, एक ही तत्व है। तो इस प्रकार से जब राधा कृष्ण में, सखी में और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है, तो फिर सखी सखी में मंजरी में क्या अंतर हो सकता है? लेकिन फिर भी लीलागत भेद तो है, बस वही है लीलागत, जी सेवा का तो भेद, जी जी बस सेवा का ही भेद है। और आपने श्री ने लिखा, इन्होंने दो ही कहा है लेकिन आप श्री ने तो पांच, आप श्री ने कही तो आचार्यों ने हमारे लिखी रखा है, तो उसके एक पद में आप श्री ने लिखा है पांच प्रकार की, जी जी, बन बिहरत पिय संगल बेली, निरखत बंसरी सुंदरी मंजरी, बन की शोभा, बन की शोभा, सहचरी मंजरी सुंदरी सखी सहेली, ये पांच प्रकार के जो ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम की जो सखियां हैं, अनुचरियां हैं, ये पांच प्रकार की है। तो मंजरी और सखी में मुख्य क्या अंतर है? ये जो सखियां हैं ये तो प्रधान है, जैसे अष्ट सखियां हैं, युथेश्वरी है, मान लीला का जो संचालन करना है, जिनके हाथ में पावर होता है, ये कह सकते हैं जो बिल्कुल राधा रानी के बराबर समकक्ष की होती है, तो इनको हम सखियां कहते हैं। और ये जो है लगभग 14 वर्ष की, 12 से 14 वर्ष की अवस्था इनकी होती है, और जो मंजरियों की, और मंजरियों की जो अवस्था है महाराज श्री, ये 8 से 10 वर्ष की है, और ये सखियों के अनुगत्य में रहती है। बिल्कुल, अब इनका कहना है कि निवृत्त कुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, केवल मंजरे ही जाती हैं। थोड़ा अंतर महाराज जी, ये जो ये सखी जो होता है ये तो राधा कृष्ण की उसमें सेवा में रहता ही है, और उसकी कभी कभी संभोग जो है ठाकुर जी के द्वारा हो जाता है, लेकिन मंजरी जो होता है वो उसकी किसी प्रकार की वासना उत्पन्न नहीं होता है, मंजरी सखियों में हो जाती है, सखियों में कभी कभी वो भगवान की इच्छा से होता है, मैंने निकुंज से वासना नहीं, वो श्याम सुंदर की इच्छा से उसके मन में उत्पन्न होता है, उसके साथ लीला होता है, मैंने सखिया नायिका बन जाती है। कभी कभी नायिका, देखो उनको गोपियां कहते हैं, यहाँ सखिया अलग है, गोपियां अलग, गोपियां नायिका हो जाती है, और जय वो प्रीतम श्याम सुंदर का आलिंगन भी करती है और उनका प्रेम प्राप्त करती है, ये तो गोपी भाव है। सखी भाव निकुंज के भीतर, निकुंज के भीतर जो मंजरी होते वहां तो कोई नायिका, नायिका केवल राधा रानी, राधा रानी के साथ श्याम सुंदर की जब निकुंज में विलास होता है उस समय उसकी बहुत सी ऐसी ऐसी सेवा है जो जिस समय सखी का प्रवेश नहीं होता, केवल मंजरी वहां पर रहती है। बिल्कुल, देखिए निवृत्त का अर्थ सुनिए, निवृत्त किसी निकुंज का नाम नहीं होता है, निवृत्त का अर्थ होता है एकांत, निवृत्त कहते हैं संस्कृत में, आप सर्च करके देखना, निवृत्त का अर्थ होता है एकांत, एकांतिक लीला। तो एकांतिक लीला में कोई दूसरा कैसा जाएगा, कैसे जाएगा? अब प्रश्न उठता है कि मंजरी जाती है, और अभी आपने बताया 9 से 10 साल की आयु की छोटी मंजरी होती है, और जैसे कि अभी आपका कहना कि वो काम कीड़ा से अनजान होती है, क्या शब्द था आपका कि उनमें नहीं होता है, तो सखियों में होता है? नहीं, मतलब उसमें ऐसे है जो वो इस संबंध में कुछ जानकारी उसको नहीं होता, जिसके कारण वो वहाँ पर रह पाते हैं और उसी सेवा में रहते हैं, जब श्याम सुंदर राधा रानी एवं श्याम सुंदर दोनों जो विलास करते हैं उस जो परिस्थिति को है उस समय जो छवि उनके सामने दरअसल है कि प्रिया प्रीतम की एकांतिक कीड़ा की इतनी आदि हो जाती है मंजरियां, तो राधा रानी का संकोच ही नहीं रहता, समझना बात का, राधा रानी को उन मंजरियों से कोई संकोच नहीं रहता, सिर्फ इतना सा अंतर है। और क्यों? अनादि काल से सखिया निवृत्त निकुंज में, मतलब एकांतिक निकुंज में प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। तो एक एक व्यक्ति जब लगातार हमारी सेवा में रहता तो संकोच दूर होता रहता है, जब नया नया होता तो संकोच, या बड़ी आयु का है तो
तो संकोच, केवल संकोच और कुछ नहीं, क्योंकि काम कहते हैं प्रवेश नहीं। काम वासना प्रबल अति बांधे हो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। अब वो जो मंजरी है, ऐसा नहीं कि वो अनजान है, मंजरियों को तो सब कुछ मने सहयोग देती है, वो तो उस लीला में सहयोग करती है, है ना। तो वहां वासना नहीं है, तो वहां श्री जी का दर्शन उनसे संकोच नहीं होता। जो अपनी उम्र की बड़ी की सखी है उनसे थोड़ा सा संकोच, जैसे एक लीला में कहते हैं दोनों के विलास हो गया। अब दोनों के विलास होने के बाद सखी फूल चुनने के, अब वो आने का उसका समय हो गया, तो इतने में राधा रानी इनको कहते हैं तुम लोग जो है ताड़ाताड़ी जल्दी जल्दी जो है हमारी ये चिन्ह सब मिटा दो चंदन और कुमकुम के द्वारा। क्यों हमारी ये ललिता विशाखा ये सब सखी आएंगे ना, ये सब देख के हमको हंसी करेंगे। तब इस दोनों में अंतर कितना है, इसमें बिल्कुल निसंकोच है, लेकिन वहां संकोच है, केवल संकोच है, केवल संकोच है ना, और कुछ नहीं, और कोई अंतर। अब पूछे कि जब वासना ही नहीं वहां तो संकोच किस चीज का। अब आप देखिए, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, वहां तो वासना नहीं ना, लेकिन उसका बड़ा बेटा हो तो थोड़ा संकोच करेगी, या पति हो तो सामने तब भी थोड़ा ढक के संकोच करेंगे, पति से संकोच। अब बताइए पति से क्यों संकोच है? अच्छा जो छोटा सा बच्चा उससे तो कोई संकोच नहीं है, और पति से क्यों संकोच है? पति से कभी संकोच होगा क्या? लेकिन होता है, पति से भी संकोच होता है। तो वह अपना पल्ले ढक करके अपने बच्चे को दूध पिलाते। अब कहे पति से क्यों संकोच? क्योंकि बराबर उम्र का है, बराबर का है, इससे थोड़ा संकोच एक मर्यादा होती है, तो सखियों से कुछ मर्यादा। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम तो मंजरिया बने सखिया नहीं। अरे कुछ नहीं, आपको बनना, आपको तो सेवा करनी है प्रिया प्रीतम की, जो भी गुरु रूप सखी से मिले, और ये तो प्रिया प्रीतम की इच्छा है कि आपको कहाँ पर नियुक्त करे। वो आपको तोता बना सकती है, सारिका आपको बना सकती है। और फिर एक बात और मैं कहूंगा, आप ये ना सोचे कि मंजरिया भाग्यशाली फिर तो बहुत आगे हैं और सखियां उनसे थोड़ा पीछे रह गई, वो तो भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी सखी भीतर प्रवेश कर सकती है, जो पांचों बताए ना, सखी सहेली मंजरी सुंदरी, ये सब जो चाहे सो बन जाए। जब चाहे कोई सखी मंजरी बन जाए, और जब चाहे कोई मंजरी सुंदरी बन जाए, जब चाहे कोई सुंदरी सहेली बन जाए, जब चाहे कोई भी रूप में आ जाए। दरअसल एक प्रकार से पदवियां कभी भी कोई भी भाव किसी में भी, जो आज सखी है वो कल मंजरी हो सकती है, जो आज मंजरी हो कल सखी के रूप में आ सकती है, और कोई भी रूप धारण कर वहां तो भी। वहां जो सारिका है वो जब चाहे सखी बन जाए, जब चाहे सारिका, जब चाहे नथ बन जाओ, जब चाहे कुंडल बन जाओ, अंगूठी बन जाओ सखिया, जब चाहे सखिया सैया बन जाए, वस्त्र बन जाए, जब चाहे सखी सुंदरी बन जाए, सहचरी बन जाए, सहेली बन जाए, जो पांच प्रकार सखियों के, जब चाहे वो मंजरी बन जाए, जब चाहे वो तोता बन जाए, मैना बन जाए। निम्बार्क भगवान के चरित्र में आता है ना, उनके आठ रूप है, तो जब संध्या आरती निवासाचार्य जी कर रहे थे तो श्रृंगार किया, तो उसमें नथ पहनाना भूल गए, तो उस समय निम्बार्क भगवान नथ बन गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, इनके तो अपने आचार्य श्री का, तो गुरुदेव का तो आठ ही रूप है, आठ रूप है, तो नौवां हो गया, नौवां रूप कैसे हो गया? तो फिर अदुमराचार्य जी ने इसका समाधान किया, जो निकुंज में जो है सारी सखियां सब कुछ बन सकती है, कुछ भी वहां बन सकते हैं, ये नहीं क्योंकि हम क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे कर्म जो चाहेंगे हम वही बनेंगे, लीला के अनुसार जो बनना है वो बन, लेकिन वहां तो इच्छा के अनुसार, प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए, तो वहां कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये जो सखी मंजरिया सखी सहेलियां जो एक प्रकार है, ये एक प्रकार से लीला के कारण से ऐसा, कब कौन सी लीला में किस रूप में कौन सखी जाए। जैसे देवऋषि नारद जी, कई ग्रंथों में कहा नारद जी का निकुंज में प्रवेश नहीं, लेकिन नारद जी मुग्धा सखी बन के जा सकते, जब चाहे मुग्धा सखी बन के निकुंज में प्रवेश करें, और जब चाहे नारद जी बन करके ब्रह्मांड में विचरण करें, और जब चाहे ठाकुर जी के मन के रूप में मन के अंदर समा जाए। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं कि जो सखी है वो अंदर नहीं जा सकती, अंदर जब चाहे जाए, लेकिन कैसे जाएंगे? मंजरी भाव से अंदर जाएंगे, और जो मंजरी है यदि वो बाहर की लीला में सम्मिलित होना चाहे तो भी मंजरी भाव से नहीं, फिर सखी भाव से। तो जब चाहे जो उनके में वो भाव दे, क्योंकि वहां देह ही भाव दे है, ये हमारी तरह पंच तत्वों का वहां शरीर नहीं है, सबके भाव दे, और भाव दे लीला के अनुसार, जो प्रिया प्रीतम चाहे वही भाव दे उनको प्राप्त हो जाता है और लीला में सम्मिलित हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि हम सखी बन गए तो मंजरी
या मंजरिया तो सखी, ऐसा नहीं। और ये बाहर जो सखियां, आनंद कहीं भी कम नहीं, ऐसा नहीं कि मंजरियों को अधिक सुख प्राप्त होगा तो बाहर वालों को, एक तो वहां निज सुख वांछा ही नहीं, तत्सुखिया भाव, तत्सुख सुखिया भाव से सब भावित रहती है, तो अपना सुख तो वहां ही नहीं। प्रिया प्रीतम को देख देख करके नैनन ही के द्वार लैल ही माही बसान, यही सुख में मगन निरंतर नहीं जानत कित रजनी बोर। ये सूत्र सब के लिए है, चाहे वहां का तोता तितली भी क्यों ना हो, उसको भी वही सुख है जो मंजिलों को, सखियों को। वहां कोई सुख किसी का कम नहीं है, सब पूर्ण काम तृप्त है, सब आनंद में है। वो जिनको जितना प्राप्त हो उसी में मगन है, उसके लिए। तो बाहर सखिया क्यों, प्रिया प्रीतम की सेवा क्यों, क्योंकि वो ऐसे ऐसे रस के गीत गाती हैं, ऐसे ऐसे पदों का वो करके सुनाती हैं, और इतनी मीठी मधुर तान स्वर से, जिससे कि प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम का उद्दीपन हो। तो वो प्रिया प्रीतम की सेवा करें, चाहे वो चरण सेवा मिल जाए, चाहे सिर में मालिश करने की सेवा मिल जाए, चाहे तांबुल सेवा, पंखा सेवा, कोई भी सेवा, हर सेवा बराबर सुख देने वाली है। इसलिए तो वहां भी राग द्वेष हो जाएगा, यदि बड़े छोटे की कल्पना करोगे, हम तो मंजरिया बनेंगे, हम सखिया नहीं बनेंगे, सखिया तो हट पीछे, हम आ गए, तो ये तो राग द्वेष का वातावरण। और ये बात भी है ना महाश्री, जब सखियों में रंग अवस्था आता है तो उस समय तो महाभाव में, सब महाभाव में प्रतिष्ठित हो जाते, सब एक हो जाते, एक हो जाते हैं, कभी वो मंजरी भाव में, कभी सहचरी भाव में, कभी सुंदरी भाव में, तो पांच प्रकार के भाव। और फिर जब निवृत्त निकुंज की रात्रि की लीला होती है, उस समय सब सखिया महाभाव में प्रतिष्ठित हो जाती है, सब इक्वल हो जाती है, प्रेम के महासमुद्र में सब गोता खाकर। लाली मेरे लाल की जीत देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, उन्हीं का श्रीजी का स्वरूप हो जाती।